दोस्तों 80 घाव खाकर भी धड़ लड़ता रहा रणभूमि में। वह आखिर कौन ऐसा योद्धा है जो भारत के इतिहास में स्कूलों में उसकी वीरता की कहानियां से हमें अनभिज्ञ रखा गया। दोस्तों आपको बता दें कि एक आंख और एक पैर के पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद इन्होंने जिंदगी से कभी हार नहीं मानी और कई युद्ध लड़े और जीते भी। दोस्तों यह इतिहास है राणा सांगा की। दोस्तों 1527 में राणा सांगा और मुगल बादशाह बाबर के बीच बहुत भयानक युद्ध होता है। खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं के बीच जबरदस्त खूनी मुठभेड़ हो जाती है। बाबर 2 लाख मुगल सैनिक लेकर चल पड़ता है उस युद्ध के मैदान में। 2 लाख मुगल सैनिक थे और ऐसा कहा जाता है कि राणा सांगा के पास भी बराबर जितनी ही सेना थी। बस फर्क यह था कि बाबर के पास गोला बारूद का बड़ा जखीरा था और राणा के पास साहस एवं वीरता। युद्ध में बाबर ने राणा के साथ लड़ रहे लोदी सेनापति को लालच दे दिया, जिसके चलते सांगा को धोखा देकर लोदी और उसकी सेना बाबर से जा मिलती है। लड़ते हुए राणा सांगा की एक आंखों में तीर भी लग जाता है, लेकिन उन्होंने इसकी भी परवाह नहीं की और युद्ध में डटे रहे। इस युद्ध में उन्होंने कुल 80 घाव आते हैं। उनकी लड़ाई में दिखी वीरता से बाबर के होश उड़ जाते हैं। लोदी के गद्दारी करने की वजह से राणा सांगा की शाम होते होते लड़ाई हार जाते हैं। जरा सोचिए कैसा दृश्य रहा होगा दोस्तों, जब उस सूरवीर अपने शरीर में 80 घाव होने के बावजूद एक आंख, एक हाथ और एक पैर पूर्णतः क्षतिग्रस्त होने के बावजूद भी जब वो लड़ने जाता था। गर्व है ऐसे महावीरों पर। महाराणा सांगा जी को आज कोटि कोटि नमन है।